अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी मेरा YouTube चैनल मिसबा मदरसा। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। जा रहे हैं जी हम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा जी आप लोगों के साथ व्लॉग शुरू कर लेते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को व्यूज, आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह चलते हैं। हैं जी ये हम जा रहे हैं अभी बाहर, ठीक है, धूप तो काफ़ी हो गई है लेकिन जाना है मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हमारे साथ रहिए, दिखाते हैं जी आपको। ये गाड़ी है हमारी, बिस्मिल्लाह, धूप की वजह से जली पड़ी है, हाय हाय हाय। लोग जा रहे हैं जी मस्जिद नबवी की तरफ नमाज पढ़ने, इशारा खुला है, हम भी जल्दी से निकलें और उसके बाद पहुंचें। ये कुछ व्यूज है, ये सामने ओहद पहाड़ है जिसे जबले ओहद कहा जाता है, ठीक है, ये व्यूज है कुछ इस तरह का। टाइम तकरीबन 12 होने वाले हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम मस्जिद नबवी वाली सड़क पे आ गए हैं। माशाल्लाह रश है, अच्छा खासा, तो देखते हैं गाड़ी पार करने के लिए जगह कहाँ मिलती है। उम्मीद है इंशाल्लाह मस्जिद के नज़दीक मिल जाए, ना मिल सकी तो फिर लोगों ने तो यहाँ भी खड़ी की हुई है, यहाँ से पैदल जा रहे हैं। ये तो किस्मत का खेल है कि नज़दीक मिल जाती है तो ठीक है, नहीं नज़दीक मिलती तो फिर कहीं दूर ही खड़ी करनी पड़ेगी हमें, लेकिन कोशिश करते हैं, देखते हैं आगे। उम्रे वाले लोग आए हुए हैं इस वजह से बहुत रश है, देखें बसें खड़ी हैं, ठीक है, बाकी आप रहिएगा हमारे साथ, इंशाल्लाह मस्जिद नबी की भी ज़्यारत करवाते हैं आपको, कोशिश करेंगे नबी के रोज़े पे भी सलाम करने के लिए जाया जा सके। कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होगी और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बनेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा की हर चीज़ दिखाई जाएगी, मार्केटें भी और भी मसाजिद हैं उनकी ज़्यारत भी करवाई जाएगी इंशाल्लाह। ये जी हम पहुंच चुके हैं मस्जिद वाली सड़क पे, तो यहाँ से जा रहे हैं, देखें आप ज़रा रश। उम्रे पे आने वाले लोगों की जो है ना आमद आमद है, ठीक है, मक्के में जो होते हैं उम्रा अदा करने के बाद वो लोग कोशिश करते हैं कि जुमा नमाज जो है वो हम मस्जिद नबी में अदा करें, रोज़े पे नबी का सलाम हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए फिर। और जो आसपास छोटे छोटे शहर हैं उधर से भी लोग आ जाते हैं, जद्दा से, बदर से, खैबर से, इसलिए फिर रश बढ़ जाता है। देखें आप ज़रा, देखें जी ज़्यादा से ज़्यादा रश बढ़ता जा रहा है। और ये लोग जी पानी तकसीम करने वाले खड़े हो गए हैं, पैसे दें और राह लिल्ला पानी तकसीम करवाएं लोगों में, क्योंकि जब नमाज अदा करके वापस आना है ना तो तब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसी वजह से फिर
ये लोग जो हैं इधर पानी रख देते हैं। इधर तो कुछ कम है लेकिन उमीर हमजा मस्जिद ठीक है उस साइड पे बहुत होता है ये ठीक है। तो ये मस्जिद नबी के तकरीबन पास हैं हम तो रश का ये आलम है। हमारे साथ रहें तो इंशाल्लाह मिलते हैं मस्जिद के अंदर जाके। हाँ फिर भी कुछ ना कुछ मौसम चेंज है लेकिन जिस तरह का पाकिस्तान में चेंज होता है वो नहीं है। गर्मी तो वैसे 12 महीने ही नहीं ख़त्म होती यहाँ पे लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है। उम्रे वाले लोग बहुत आए हुए हैं और ब्रोस्ट बर्गर की दुकानों में रश लग गया है। नमाज के फौरन बाद ही खाने को भाग पड़े हैं लोग फजर के टाइम से आए हुए लोगों को भूख से बुरे हालत हो जाती है सिक्योरिटी की गाड़ी कुछ इस तरह पैदल चल के जाना पड़ेगा बहुत दूर गाड़ी खड़ी की हुई है ठीक है। और चल चल के जो है ना वो हालत चल चल के वाली हो जाएगी। इन जाना है ये मस्जिद से बाहर आके छोटे छोटे स्टॉल खोल दिए इन्होंने पहले नहीं थे। पहले थे सिर्फ मस्जिद किबलातैन की तरफ लेकिन अब मस्जिद नबी के सामने भी ठीक है। कुरान पाक तस्बीहां ठीक है जान नमाज़ें और इसी तरह ये कुछ बैठने की जगह दूसरी साइड पे भी अतर परफ्यूम देख सकते हैं आप। और अच्छा है चलें वैसे लोगों को दूर जाना पड़ता था शॉपिंग के लिए। ये भी छोटे स्टॉल हैं लेकिन बड़े तो नहीं है शॉपिंग लेकिन कुछ लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से। कॉफ़ी लें जी। नमाज हमने अदा कर ली है जुमा और अब हम जाने लगे हैं घर को ठीक है। बैठ भी लिया थोड़ी देर मस्जिद में। अल्लाह पाक हर मुसलमान बहन भाई की यहाँ आने की ख्वाहिश पूरी करे दुआ है पाक ज़ात से। और अल्लाह पाक हर मुसलमान बहन भाई भी अपनी रहमत करे जिसकी भी दिली ख्वाहिश है यहाँ आने की ज़ियारत करने की अल्लाह उनको लेके आए दुआ है। जा रहे हैं वापस माशाल्लाह माशाल्लाह रश बहुत था आज बहुत ज़्यादा। और इसी लिहाज से फिर मस्जिद के अंदर नहीं जा सके। अभी भी लोग बाहर निकल रहे हैं। तकरीबन नमाज हुई को आधा घंटा हो गया या 40 मिनट लेकिन रश फिर भी बहुत है।
इतना रश और शोर होने के बावजूद भी एक इत्मीनान और एक खामोशी है यहाँ पे, जो दिली मसरत और सुकून का बायस है। इंशाल्लाह जल्द ही कोशिश करूँगा कि नबी के रोज़े पे भी हाज़री दी जाए, सलाम किया जाए, और वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है फिर से कि मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों को सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। अब हम वापस जा रहे हैं, मस्जिद से बाहर हो गए हैं, और साथ ही गर्मी और धूप भी स्टार्ट हो गई है। और गर्मी बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत नहीं जी। ये हम मस्जिद के नज़दीक पहुंच चुके हैं, ठीक है, और रश भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मस्जिद नबी में कुछ अलग ही सुकून है, इत्मीनान सा है, इसीलिए इतनी दूर से लोग सफ़र करके नमाज के लिए आते हैं। तो हालांकि गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल आना पड़ा है। माशाल्लाह आज गेट के बाहर तक, गेट नंबर 22, ठीक है, ये हम 22 नंबर गेट के पास हैं, तो फुल हो गया। तो अब कुछ और जगह पे भेजने का इंतज़ाम कर रहे हैं ये लोग कि इस साइड पे निकलें। लोगों ने तो बाहर ही जान माजें वगैरह बिछा ली हैं अंदर जाने के बजाय, लेकिन हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की कि मस्जिद के अंदर जाकर नमाज अदा की जाए। अगर इतनी दूर से सफ़र करके इंसान आए और फिर भी वो नमाज बाहर अदा करे तो सही नहीं, कोशिश कर लिया करें, थोड़ा बहुत अंदर जाने की तो जगह मिल ही जाती है। देखें रश बहुत ज़्यादा हो गया, इसी वजह से शायद हमें भी जगह नसीब ना हो सकी तो फिर बाहर बैठना पड़ जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे, ज़रूर की जाएगी, और जा तो रहे हैं लोग अंदर। हाँ जी, जगह है खाली, نزدیک تر نزدیک تو نہیں ہو بتعید اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين। कुछ बैठने की जगह दूसरी साइड पे भी, अतर परफ्यूम देख सकते हैं आप।
अच्छा है चलें। वैसे लोगों को दूर जाना पड़ता था शॉपिंग के लिए। ये भी छोटे स्टॉल हैं लेकिन बड़ी तो नहीं है शॉपिंग, लेकिन कुछ लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से, कॉफ़ी वगैरह पानी। ठीक है, और साथ ही सिक्योरिटी की सख्ती भी ज़्यादा हो गई है। अनलीगल तौर पे जो लोग आए हुए हैं उनको चूड़ियाँ पहना रहे हैं, चूड़ियाँ मतलब हथकड़ी लेके जाया जा रहा है घर। देखें जगह जगह पे, यानी कोई 3400 गाड़ी खड़ी कर दी है, साथ ही अगर स्टॉल बना दिए है ना तो सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब इन लोगों की ये कोशिश है कि जो उम्रे पे आ रहे हैं आए, जो लोग कोरोना के दौरान या कोरोना से पहले आए हुए थे उम्रे पे और भाग गए अनलीगल तरीके से, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, जुर्माने किए जा रहे हैं। यहाँ पे भी बिक रहा है सामान, तस्बीहां अतर, ठीक है, खजूरें, और जिन लोगों की वापसी है उन लोगों के लिए बसें खड़ी हो गई हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने जुमे की नमाज अदा करके उम्रे के लिए मक्के जाना है, कुछ आ रहे हैं, कुछ साथ वाले सिटीज से जो आए हुए हैं वो उनकी वापसी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नबी के घर में बहुत रौनक होती है आजकल। ठीक है, देखें ज़रा पसीने से क्या हालात हैं। हाय, ठीक है, इतनी गर्मी है। ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद से निकल के और गाड़ी तक आने में इतना पसीना और इतनी गर्मी, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खातर। आप लोगों के साथ व्लॉग जो है वो शेयर किया जाए, अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाई जाए। लें जी, हम पहुंच चुके हैं अपने घर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह पाक अब सब बहन भाइयों को खुश और खुशहाल रखे। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।